पहुंचे हैं तिमारपुर विधानसभा के जीटीवी नगर क्षेत्र में। यहां पर लोगों से जानते हैं कि आखिरकार यहां के निगम पार्षद राजा इकबाल सिंह ने कितना लोगों का विकास किया है। हालांकि वो नॉर्थ एमसीडी के मेयर हैं इस समय, और साथ ही जीटीवी नगर जो है वो युवाओं के लिए जाना जाता है, युवाओं की आवाजाही यहाँ पर ज़्यादा है, तो युवाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। साथ ही यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पहले जानते हैं कि कितना विकास एमसीडी के द्वारा जीटीबी नगर में हुआ है। दानेश्वर कुमार, क्या लग रहा है जीटीबी नगर में विकास हुआ है? एमसीडी ने कुछ काम किया? कुछ नहीं किया। क्या किया? कुछ भी नहीं किया। क्या किया? कुछ भी नहीं किया। क्यों मानते हैं ऐसे? कोई काम नहीं हुआ एमसीडी की ओर से? क्या हुआ, क्या हुआ बताओ तो सही। कुछ गलियों में विकास हुआ हो, कुछ हुआ हो? कुछ भी नहीं हुआ। कितने समय से आपकी दुकान है यहाँ? ये हो गए 40 साल। 40 साल हो गए तो अच्छा, ये बताइए पिछले 5 साल के कार्यकाल में एमसीडी की ओर से काम किया गया है आपके क्षेत्र में? एमसीडी के कार्य तो यही है, ठीक सफाई, सब सफाई चल रहा है, बढ़िया सफाई होती है यहाँ पे। हाँ, निगम पार्षद आते हैं, बात करते हैं लोगों से, सवेरे झाड़ू झूड़ू लगता है, सब सब होता है। अच्छा, और एक टाइम होता है, दोबारा होना चाहिए, सिर्फ एक टाइम होता है। अच्छा, आप चाहते हैं और अच्छे से और सफाई? शाम को भी हो? हाँ, शाम को भी हो, साफ सवेरे भी हो। अच्छा, क्या लग रहा है, अप्रैल में एमसीडी चुनाव है, तो क्या लग रहा है कि 15 साल से जो सत्ता में भाजपा है, क्या उसको आम आदमी पार्टी हरा पाएगी? आम आदमी पार्टी को ऐसा उम्मीद है, काम तो किया है, किया है आम आदमी पार्टी ने। तो आपको क्या लग रहा है? वैसे बीजेपी भी काम अच्छा कर रहा है। अच्छा, बीजेपी भी अच्छा काम कर रहा है, तो इस ये वाले इलेक्शंस को कैसे आप देखते हैं 2022 के? ठीक है, हो जाए तो, मतलब कि उम्मीद तो दोनों का बराबर है लग रहा है। अच्छा, बराबर लग रहा है दोनों की उम्मीद। क्या उम्र होगी? मेरी 19। 19 साल। अच्छा, ये बताइए एमसीडी चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं? मेरा तो अभी तक आधार वो नहीं बना, वोटर कार्ड नहीं बना। तो कुछ तो राजनीतिक सोच रखते होंगे? हाँ, रखता हूँ ना। हाँ, तो बताइए क्या लग रहा है, किसने अच्छा काम किया एमसीडी में? एमसीडी में तो अब केजरीवाल कर रहे हैं। केजरीवाल जी है नहीं एमसीडी में फिलहाल। वो तो राजीव खेड़ा उतर रहे हैं ना उसमें, तो राजीव खेड़ा उतर रहे हैं ना उसमें, तो उतर तो सर बहुत सारे रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि बीजेपी जैसे 15 साल से बीजेपी है एमसीडी में, तो क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी वो 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, नहीं तोड़ पाएगी? लग तो रहा है तोड़ सकती है। लग रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है जनता को? क्योंकि जो आप काम कर रहे हो, हमारे यहाँ पे सीवर रिवर का काम करवा रहे हैं वो, तो हमारे यहाँ से तो सारे वोट उन्हीं को जाएंगे। सीवर दिल्ली सरकार के अंदर? हाँ, दिल्ली सरकार के अंदर। एमसीडी क्या काम कर रही है, साफ सफाई हो रही है, कूड़े की गाड़ी आती है समय पर? हमारे यहाँ तो आती है। देखिए, लगता तो आम आदमी पार्टी का ये रीज़न सिंपल ये है कि मिसकम्युनिकेशन बहुत है। जैसे अभी दिल्ली गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी की है, फिर उसके बाद एमसीडी के अंदर बीजेपी है, तो मिसकम्युनिकेशन बहुत रहता है, सैलरी नहीं मिल रही। हाँ। और बहुत सारे बीच में हड़ताल, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन बेटर करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट में अगर आम आदमी पार्टी है तो एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी ही होनी चाहिए। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन हम लोग किससे क्वेश्चन करेंगे, हमारा सिंपल एक क्वेश्चन आम आदमी पार्टी से सीधा होगा कि अब एमसीडी भी आपके अंडर है, दिल्ली गवर्नमेंट भी आपके अंडर है, अब आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे बीच में सफाई को लेके बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, डेंगू आता है उसमें पॉलिटिक्स बहुत सारा शुरू हो जाता है, हेल्थ को लेके मल्टीपल इश्यूज शुरू हो जाते हैं, तो अब एक रहेगा तो हम क्वेश्चन एक पार्टी से कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी ही होनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी एज ए स्टेट गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, तो अपनी एक्सपेक्टेशन यही है कि वो आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। बीजेपी आ जाएगी तो फिर वही मिसकम्युनिकेशन तो रहेगा दोनों के बीच में। मतलब वही आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी दोनों तरफ आ जाए, ताकि उन लोगों को राजनीति करने का मौका ना मिले कि लोगों को इधर उधर भेजा जाए। एग्जैक्टली यही रीज़न है कि हम लोग जब क्वेश्चन करते हैं तो ये डिपार्टमेंट मेरे अंडर नहीं आता है, ये डिपार्टमेंट उनके अंडर आता है, पॉलिटिक्स चलता रहता है पूरा टाइम, हम लोगों का सोल्यूशन तो नहीं होता ना। अल्टीमेटली अपनी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो भी पार्टी हो वो एक ही रहनी चाहिए, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी आ जाए, ताकि बार बार ये सब चीज़ों के कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाए। ठीक है सर, आपके क्षेत्र में या जीटीबी नगर में कितना विकास का कार्य 5 साल में हुआ है? आप किससे रिलेटेड पूछ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट या एमसीडी? एमसीडी सर, ओनली एमसीडी। देखिए, एमसीडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे साफ सफाई टाइम पे हो रही है, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बीच बीच में जो ये स्ट्राइक्स वगैरह पे जाते हैं वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा इशू ये रहता है कि पार्क्स वगैरह के मेंटेनेंस को लेके,
या आप बोल सकते हैं कि जो स्ट्रीट की मेंटेनेंस को लेके है वो कहीं ना कहीं लापरवाही तो होती है, उसके अंदर बार बार ये सुनने को आता है हमारी सैलरी टाइम पे नहीं आ रही, एम्प्लॉयज़ भी परेशान है अल्टीमेटली, तो एज सच कोई सेटिस्फाई तो नहीं है, बट बेसिक काम हो जाता है, थोड़ा बहुत साफ सफाई से रिलेटेड जो है वो लोग वो कर देते हैं, बस इतना ही है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ आपने देखा लोग कहीं ना कहीं ये भी मानते दिख रहे हैं कि MCD में दोबारा से आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह लोगों को गुमराह किया जाता है कि ये काम हमारा नहीं है, ये PWD का काम है, ये दिल्ली सरकार का काम है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी उम्मीद लोगों को बनी हुई है कि आगे आने वाले दिनों में अगर MCD में भी आम आदमी पार्टी आती है तो लोगों को सरकार की राजनीति से छुटकारा मिल पाएगा। यहाँ पर कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, युवा सोच जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार युवाओं का MCD चुनाव को लेकर क्या विचार बना हुआ है, क्या कैसे देखते हैं MCD इलेक्शन आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कौन जीत सकती है इस बार पार्टी? मैं भी हो सकता है केजरीवाल आ जाए। केजरीवाल आ जाए, क्यों ऐसा सोच रहे हैं? फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट है ना उनका MCD अंदर, हाँ, तो फिर हो सकता है उन्होंने स्कूल के लेकर और अपनी शिक्षा को लेकर बहुत आगे कदम बढ़ाए, तो हो सकता है वो MCD के अंदर भी थोड़ा काम अच्छा करें, कैमरा थोड़ा इर्द गिर्द घुमाएंगे तो पता लग जाएगा कि यहाँ पे कैसा है भाजपा के राज में। शाम को यहाँ पे कर्मचारी आते हैं, अपनी झाड़ू को हवा में घुमाते हैं, एक छोटी वीडियो बनाते हैं और अपने स्टेटस पे लगाते हैं और चले जाते हैं। दिन भर यहाँ काम नहीं होता है, खाने के लिए सफाई की जाती है, MCD काम नहीं कर रही है, कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्या लग रहा है MCD चुनाव को किस तरह देख रहे हैं, कौन सी पार्टी विजय होने वाली? आम आदमी पार्टी का वर्चस्व लग रहा है इस बार। अच्छा। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों को बदला है, आपने आसपास देख दिया MCD के स्कूलों में स्थिति बड़ी ख़राब है, जबकि वहाँ से पहले से लेकर पाँचवीं तक के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ उनको इतनी रिसोर्सेज नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वहाँ स्थिति इतनी ख़राब है। लेकिन ये आप स्टेट गवर्नमेंट के स्कूलों में देखिए, मैं भी स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ा हूँ और तब से मैं अब देखता हूँ तो स्थिति बहुत बदल चुकी है, तो मुझे उम्मीद। आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह दिल्ली सरकार ने काम किया है वैसे ही वो MCD में भी काम कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली सरकार का MCD में आना बल्कि ज़रूरी है, MCD में आना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि MCD में आप देखिए, ये छोटे से छोटे झाड़ू लगाने वाले से लेके आप डिपार्टमेंट में चले जाइए, सब जगह बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। अगर वो जिस तरीके से उन्होंने अपने हॉस्पिटल्स को बदलाया, अगर उस तरह से अगर MCD व्यवस्था को बदल दे तो ये दिल्ली में अच्छे से विकास होगा, अच्छे से विकास होगा। ठीक है, यहाँ पर एक दुकान हमें दिखी है जो पुलिस की वर्दी तैयार करती है, यहाँ पर हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? चंद्र मोहन। सर आप इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, जो हमारे संविधान की रक्षा करते हैं आप उनकी वर्दी तैयार कर रहे हैं, तो कैसे, आप ये बताइए पहले, आप MCD चुनाव को कैसे देख रहे हैं, जो भ्रष्टाचार है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में खत्म होता दिख रहा है आपको? देखिए मैडम जी, भ्रष्टाचार तो खत्म होगा नहीं, क्योंकि जो भी आता है वो काम कम करता है, बातें ज्यादा करता है। अच्छा। जो काम कम करता है बातें ज़्यादा करता है, लेकिन हम ये अपेक्षा करते हैं कि जो भी आए वो सभी के लिए काम करे, दिल्ली को संवारे और दिल्ली को आगे बढ़ाए। भ्रष्टाचार के लिए सभी इच्छा करते हैं कि कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, तो बहुत बढ़िया बात है, जो भी पार्टी इसके लिए प्रयत्न करेगी वो जीतेगी। तो क्या लग रहा है 2022 के चुनावों को किस तरह देख रहे हैं आप? मैडम ऐसा है, वही एक क्वेश्चन है जिसके लिए ये कहेंगे, जो भी अच्छा काम करेगा वही जीतेगा। यहाँ पे भाजपा ने इस क्षेत्र में अच्छा काम किया, आपके क्या सोच रहे हैं? देखिए मैडम जी, कुल मिला के दिल्ली शांतिपूर्वक चल रही है, फिलहाल तो अभी कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है, बाहर की स्टेट से दिल्ली अच्छी चल रही है, भाजपा का भी काम अच्छा है और आपका भी काम अच्छा है, दोनों का ही अच्छा। नहीं, निगम की बात करें तो GTB नगर क्षेत्र में कितना विकास हुआ है अभी तक? विकास में जैसी मैडम, जहाँ आम लोग ज़्यादातर ना दुकान पर आके काम करने लग जाते हैं, तो हमें अपने आसपास के एरिया के अलावा कुछ जानकारी नहीं। की साफ सफाई के बारे में बताइए, होती है साफ सफाई? मैडम जी ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से जानती हैं, ना कहीं पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बातें हैं, कोई आया गया चला गया, इसमें कुछ भी नहीं है खास। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ आपने देखा लोग जो हैं कहीं ना कहीं बातें घुमाते दिख रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर सफाई के नाम पर सिर्फ झाड़ू दिखाया जाता है, लेकिन सफाई सचमुच इस क्षेत्र में ना के बराबर होती है। तो आने वाले दिनों में बड़ा सवाल ये होगा कि जनता किसको विजयी बनाती है MCD चुनाव में। हालांकि लोगों का मानना ये है कि आम आदमी पार्टी को MCD में मौका मिलना चाहिए, ताकि वो आने वाले दिनों में जिस तरह दिल्ली का विकास करा है वैसे ही MCD में भ्रष्टाचार खत्म कर और दिल्ली में विकास की एक लहर ला पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीक्षा के साथ मैं इशिका, नेशन लाइव।